आशुतोष महाराज द्वारा संचालित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा हर वर्ष महिला दिवस पर प्रेरणा स्रोत व सर्वोत्कृष्ट महिलाओं को उनके अप्रतिम कार्यों के लिए संतुलन अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष भी रेशमबाग स्थित सुरेश भट्ट सभागृह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं को संतुलन अवार्ड प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में संस्कार भारती नागपुर के अध्यक्ष कंचन गडकरी और विधायक मोहन मते, डॉक्टर रमेश गौतम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष स्वास्थ्य भारती उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वयं सेविकाओं द्वारा नृत्य पेश किया गया। इस प्रस्तुति में संपूर्ण परिसर तालियों से गूंज उठा था। इस दौरान कार्यक्रम में एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बताया गया कि संतुलन एक प्रकल्प के तौर पर कैसे समाज में लिंग समानता लाने के लिए देश की सबसे बड़ी मुहिम के रूप में उभरा है। संतुलन पिछले 12 सालों से भारत के 12 राज्यों में कार्यरत है। महिला दिवस पर निर्मला फोर्ड, चंद्रप्रभा रामटेके, सुमेधा मेश्राम, डॉक्टर सोनल पटेल, सुनीता ठाकरे, कीर्ति हरडे, मंगला हरडे, कविता मुंडले, गायत्री अंधारे, प्राजक्ता गोडबोले और सानिया पिलाई को संतुलन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने आतो घेतला त्याबद्दल त्यांच्या पूर्ण कार्यकर्त्यांचं खूप खूप अभिनंदन, कारण त्यांनी राणी लक्ष्मीबाईचं जीवनपट सगळ्या समाजाला दाखवलं आणि खरोखर आजचा जो आंतरराष्ट्रीय महिला दिन आपण साजरा करतो आहे आणि आपल्या भारताला अशा स्त्रियांची परंपरा लाभली आहे आणि त्यांचाच आदर्श समोर ठेवून आपल्या भारतातली जी स्त्री आहे, ज्या स्त्रिया सगळं काम करतात आहे, त्यांनी अशा आपल्या ऐतिहासिक स्त्रियांचा वारसा घेऊन पुढे चाललं पाहिजे आणि आजच्या तर नवीन पिढीला हे म्हणेन की इतिहास आपला आहे, जी इतिहास विरासत आपली आहे भारतामध्ये, त्याचाच आपण आदर्श ठेवून आपण समोर चाललं, समोर आपण मार्ग आपण पादाक्रांत केला पाहिजे आणि आजच्या महिला दिनाच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते, धन्यवाद। यांचं जे दिव्य ज्योती जागृती संस्थांचे काम समाजामध्ये चाललं आहे ते खरोखर उल्लेखनीय, अभिनंदनीय आणि प्रशंसनीय आहे, कारण की समाजातल्या सगळ्या स्तरांमध्ये ते लोक काम करतात आहे आणि साधारण महिलांना अवेअरनेस देण्याचं काम करून राहिलेत। दिव्यांगांनासुद्धा आपल्या पायावरती कसे ते उभे राहतील याबद्दलचं काम दिव्य ज्योती जागृती संस्थान करत आहे आणि म्हणून त्यांच्या कामाबद्दल मी अतिशय कौतुक करते आणि त्यांचं अभिनंदन करते। मी विमेन्सच्याबद्दल मेसेज असाठी म्हणजे असं नवीन पिढीला सांगावंसं वाटतं आहे की आजकालची नवीन पिढी सगळ्या क्षेत्रामध्ये आहे, एक एक क्षेत्र सुटलं नाही की जिथे महिलांनी आपला पाय रोवला नाही आणि नुसतं पाय रोवून महिला थांबल्या नाही तर सगळं ते कार्य त्यांनी यशस्वी करून दाखवलं आहे। मग ते महिला पायलट असो, महिला रिक्षावाला असो, मेट्रोमध्ये काम करणाऱ्या महिला असो किंवा मग एखादी उद्योजिका असो, पण तिला मी एक हाच संदेश द्यायला नक्कीच सांगेन आहे की तिच्या आयुष्यामध्ये आई तिची जी भूमिका असते की तिला नवीन पिढी घडवायची असते, त्यासाठी तिला जो वेळ आपल्या कुटुंबाला द्यायचा आहे, नवीन पिढीला द्यायचा आहे, आपल्या मुलांना जे संस्कारित करायचं आहे ते मात्र तिने कठोर अशी आईची भूमिका घेऊन त्यांनी आपली नवीन पिढी संस्कारित करावी, संघटित करावी आणि त्यासाठी तिने नक्की आपला वेळ त्या मुलांना द्यावा असं मला सांगावंसं वाटतं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सामाजिक प्रकल्प संतुलन के द्वारा नागपुर में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया जिसमें 1500 से 2000 महिलाएं यहां पर आईं और बहुत सारी प्रतिष्ठित महिलाओं को जिन्होंने समाज में बहुत अच्छा काम किया है, ग्राउंड लेवल पर काम किया है, उनको यहाँ पर आज सम्मानित किया गया, यहाँ पर अवार्ड्स दिया गया। और आपको बता दें कि इंटरनेशनल वुमेंस डे की जो थीम थी इस बार की 2020 की वो थी ईच फॉर इक्वल, और इसी ईच फॉर इक्वल की थीम को लेकर के संतुलन प्रकल्प ने इस मुहिम को छेड़ा है पूरे भारतवर्ष में। और मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि आज सबसे पहला कार्यक्रम नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है और इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र पर बहुत ही सुंदर मंचन किया दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सेल्फलेस वॉलंटियर्स ने। और उसके बाद अवार्ड सेरेमनी की गई जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज रखी गई थी, जैसे 21st सेंचुरी वैदिक वुमेन अवार्ड दिया गया, बेस्ट चैलेंजिंग अवार्ड दिया गया, बेस्ट पीस मेकर अवार्ड दिया गया, बेस्ट चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज थी और लगभग 11 से 12 महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया। कंचन गडकरी जी यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह आई थी और डॉक्टर रमेश गौतम जी आए थे, उन्होंने सभी महिलाओं को सम्मानित किया। और साथ ही साथ एक तू है शक्ति थीम सॉन्ग है संतुलन का, उस पर बहुत ही सुंदर नृत्य मंचन किया गया बच्चों के द्वारा, वॉलंटियर्स के द्वारा, जिसमें यही संदेश जाता है ईच फॉर इक्वल शी इंस्पायर्स अस। जैसे कि आज पूरे देश में एक मुहिम छेड़ी हुई है मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
शी इंस्पायर्स अस, तो मैं कहना चाहूँगी कि आज उन सभी महिलाओं ने हमें इंस्पायर किया है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, और उन्हें आगे बढ़कर हमें इस संतुलन की मुहिम को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहिए। और स्त्री और पुरुष के अनुपात में ये जो असंतुलन हो गया है, हमारी विचारधाराओं में जो असंतुलन है, इसे संतुलित करना आज के समाज की आवश्यकता है। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इसी संतुलन को स्थापित कर रहा है अपने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से और संतुलन के माध्यम से। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।